YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। पांकी थाना क्षेत्र के डूब पंचायत अंतर्गत बरवाडी गांव निवासी गिरवर साव के घर में शुक्रवार की देर रात अचानक आग लग गई, जिसमें घर के अधिकांश हिस्सा समेत घर में रखी सारे सामान जलकर खाक हो गए। घटना के संबंध में भुक्तभोगी लालमुनी देवी ने बताया कि देर रात करीब 2 बजे के आसपास जली दुर्गंध आने पर नींद खुली तो पाया कि मकान का पिछला हिस्सा जलता हुआ धू धू कर रहा है। शोर मचाने पर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हुए और आग पर काबू पाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। डीजल पंप की मदद से कहीं भोर 4 बजे तक कुछ हद तक आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन अनाज कपड़े और अन्य सामान जलकर राख बन चुके थे। वहीं खबर मिलते ही मुखिया प्रतिनिधि कामाख्या सिंह मौके वारदात पर पहुंचे और हर संभव सरकारी मदद पहुंचाने का भरोसा पीड़ित परिजनों को दिया। यज्ञनी सबको क्या नुकसान हुआ है? नुकसान में है सर, सामान बहुत है, पलंग है, चौकी है, कुर्सी है, सब जल गया। अनाज वगैरह, अनाज मकई है, गेहूं है, धान है। पैसे जेवरात वगैरह कुछ भी थे? नहीं, जेवरात इसमें नहीं। तो घर में रखा सारा सामान जल गया। हाँ। कितने बजे लगी थी आग? आग 1 बजे के मेल में लगल होगा, मतलब पूरा बम गया। इसके बाद हम लोग उठे 2 बजे। 2 बजे आप लोग जागे? हाँ, पूरा लहरला के बाद। कैसे आग लगी पता नहीं चला? नहीं, पता नहीं चला।